हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और दूधी। जैसे दूधी की दाल होती है ना, वो मेरे स्टाइल में। ये मैं फर्स्ट अपनी वॉइस दे रही हूँ। अगर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सबसे पहले दूधी यानी लौकी को छील लेंगे। छीलने के बाद दूधी को कट कर लेंगे। ये मैंने 1/2 kg दूधी लिया था। अब दूधी को कट कर लेंगे, बड़े बड़े हिस्से में कट कर लेंगे। इसे दूधी कट हो चुकी है। अभी हमारे हरा मसाले जैसे हरी मिर्च, कोतमीर, लहसुन, अदरक, इसका एक पेस्ट बनाना है हमें। इसके खड़े मसाले जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी पीस लेंगे और ये दाल बॉयल करने रख देंगे। ये मसूर की दाल है। साथ में इसमें जो हमने कट किए थे दूधी, उसको भी ऐड कर लेंगे। अब हमारे आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर लेना। टर्मरिक पाउडर ये भी 1/2 स्पून लेंगे। अब 1/2 बाटी इसमें पानी ऐड करेंगे। अब दाल को हमारे बॉयल होने रख देंगे 4 सीटी लगा के। ये हमारा मसाला पिस चुका है। अब कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें तेल ऐड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें जो खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसमें अनियन डाल देंगे। अनियन ऐड करने के बाद अनियन को लाल होने तक भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए, देख लीजिए लाल होने तक अनियन को भुनना है। ये हमारा कुकर का सीटी हो चुका है। अब इसमें ग्रीन मसाला जो पीसे थे वो ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद ये करी लीव्स से मैं डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, मैं टमाटो में मिक्स करूँगी। इसमें इसका अच्छा फ्लेवर आता है। ये पाउडर मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इसको अच्छे से भूनने के बाद टमाटर ऐड कर लेंगे और तेल छूटने तक मसाले को भून लेंगे। जो बचा हुआ पानी वो भी ऐड कर लेंगे। सीटी हो चुकी है। अब इसको कुकर खोल के देखेंगे। दाल हमारी गली है नहीं, दाल पूरी तरह गल चुकी है। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, तेल सब छूट गया मसाले का, टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसमें ये दाल ऐड कर लेंगे और दाल को थोड़ा और बॉईल कर लेंगे ताकि मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अब एक बॉल में दाल सर्व करेंगे। दाल बहुत अच्छी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये कोतमीर ऊपर से ऐड करेंगे। थैंक यू गाइस मेरे वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरी आवाज़ में कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ इग्नोर करना और मुझे सपोर्ट करना। और मिलते हैं नए रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड्स।